नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 26 तारीख से यानी कि 26 सितंबर से नवरात्र, शारदीय नवरात्र शुरू होने वाले हैं। और नवरात्र में घट स्थापना का बहुत महत्व होता है, घट स्थापना करना बहुत ज़रूरी भी होता है और घट स्थापना करनी भी चाहिए। लेकिन आप क्या आप ये जानते हैं कि घट स्थापना करने की सही तरीका क्या है, सही विधि क्या है? अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बाकायदा करके बताऊंगा, यानी लाइव आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप घट की स्थापना कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ती है, कौन सी सही दिशा होती है जहां पर हम घट को रखते हैं, सारी विधि और किस तरह से हम माता रानी की स्थापना करेंगे, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले पूरी सामग्री बता देता हूँ, इसमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है। तो आप एक सिक्का ले लीजिए, कोई कितने का भी हो सकता है। इसके बाद एक सुपारी लेना है, वो सुपारी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इसके बाद आपको ये यहाँ देख रहे हैं आप, इलायची है, इलायची के बाद लौंग, फिर ये फूल है, फिर आपको आटी लेना है और साथ में एक जो गांठ होती है उसकी, हल्दी की, हल्दी की गांठ लेना है, अक्षत जानते ही हो आप, कुकू है ना, इसके बाद अबीर गुलाली, जितनी भी चीज़ें पूजा की होती है वो सब ले लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको और क्या चाहिए, आपको पंच पल्लव चाहिए, 5 तरह के पत्ते होते हैं, लेकिन अगर आपको 5 तरह के पत्ते नहीं मिले तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आम के पत्ते लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक कलश चाहिए, आप चाहे तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं या फिर आप तांबे का कलश ले सकते हैं। तांबे का इस कलश को शुद्ध माना जाता है और मिट्टी का कलश को भी शुद्ध माना जाता है, दोनों में से जो आपको लेना है वो ले सकते हो। इसके बाद आपको ये लेना है चावल, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ जो लेना है, ये जो है, और आपको यहाँ पे गेहूं लेना है, इतनी चीजें हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए एक, इधर देखना, इसके साथ साथ चाहिए आपको एक नारियल चाहिए, नारियल लेना है। इसके बाद नारियल पे लपेटने के लिए आप एक चुनरी ले सकते हैं या फिर लाल कपड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको चाहिए एक लाल कपड़ा जो कि आप इस चौकी पे बिछाएंगे, इसके लिए एक लाल कपड़ा चाहिए। तो इतनी चीजें आपको घट स्थापना के लिए चाहिए रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ घट स्थापना कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एक स्वास्तिक बनाएंगे, ठीक है। ये हमने स्वास्तिक बनाया, ओके। स्वास्तिक बनाने के बाद आप इस टाइप से कर दें इसको, ये आपका स्वास्तिक बन गया, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर आप ओम भी बना सकते हैं, अगर आप ओम चाहें तो आप ओम भी बना लीजिए, ये आपका ओम बन गया और ये आपने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया, ठीक है। इस स्वास्तिक को हम इस टाइप से यहाँ पे रखेंगे, ओके। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस इसके ऊपर थोड़ा सा जो जल है वो जल डाल देता हूँ, ये जल डाल दिया है। जल के साथ साथ आप गंगा जल इसमें जरूर डालें ताकि सारी नदियों का इसमें समावेश हो सके, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल, यहाँ पे इसको रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज डालना वो बताते हैं। आपको एक सिक्का डालना है इसमें, ये सिक्का मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको सुपारी, छोटी बड़ी जो भी सुपारी वो सुपारी डाल देना है। इसके बाद आपको इसमें से एक आपको इलायची डाल देना है, एक आपको लौंग डाल देना है। इसके बाद ये जो गठान है वो गठान भी आप डाल देंगे, और आप एक फूल, कोई भी लाल फूल अगर है आपके पास तो लाल फूल, या जो जैसा भी आपके पास फूल है एक आपको उसमें फूल डाल देना, और साथ में ये जो रोली अक्षत है ये इसमें सब आपको डाल देना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसका पूजा कर दिया। अब ये जो पंच पल्लव है यानी कि 5 प्रकार के पत्ते हैं, इन पत्तों में भी आप थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, ये इसके कोको लगा लेंगे इस टाइप से, ओके। यहाँ पे देखिए इस टाइप से कोको लगा के ये रख दिया है। चलिए अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मोली का धागा बांध देंगे, इसको बिना धागा बांधे, मोली बांधे हुए इसको नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमने मोली का धागा यहाँ पे बांध दिया है, ये मोली का धागा बांध दिया। इसके बाद हम ये हमारे पास ये जो नारियल है, नारियल के ऊपर हम ये जो चुनरी है उस चुनरी को, या फिर आपके पास अगर लाल कपड़ा है, इस तरह से लाल कपड़े से आप इस नारियल को पूरा तरीके से बांध देंगे, ये इस टाइप से लपेट देंगे पूरा, ये लपेट दिया। इसके बाद इसके ऊपर नारियल है, इसको आप इस मोली से बांध देंगे, इस टाइप से आपने इसको बांध दिया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इस नारियल का मुंह किधर के साइड होना चाहिए, ये मेन बात है। तो देखिए जिधर मूंछ होती है ना, उधर इसकी आंखें होती है, तो आप अपने पास जब जब इसको रखेंगे तो इसकी जो आंखें है वो आपकी तरफ होना चाहिए, यानी कि अगर मैं इस साइड बैठा हूं तो ये इस साइड रखाएगा, अगर आप इधर बैठे तो ये ऐसा रखाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लेना कि आपकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, उस तरह से आप इसको रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है,
ठीक है। अब मैंने इतना काम कर दिया, अब मैं आगे बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए यहां पे रख देता हूं। अब ये मेरे पास आप देख रहे हैं, ये मिट्टी रखी है, इसमें मैं जवारे बोऊंगा, है ना, ताकि मेरे पास जो जवारे हैं वो खुल के, मतलब जो पूरे 9 दिन में वो जवारे बन जाए अच्छे से। तो इसके लिए आपको क्या करना रहता है, ये गेहूं है और ये थोड़ी सी जो है, इन दोनों को मिक्स करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस टाइप से डाल देंगे। ये देखिए इस टाइप से मैंने क्या करा कि जो और गेहूं दोनों इस पे डाल दिए, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा जल लेके इसके ऊपर छीट देना है ताकि वो अच्छे से उग जाए, है ना। ये जल छीट दिया मैंने, 9 दिन में अब क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से उग जाएंगे। ओके, इस टाइप से जल छीट दिए। अब ये जो आपका कलश है, इस कलश को आप बीचों बीच यहां पे स्थापित कर दीजिए। ये आपने स्थापित कर दिए, इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपके पंच पल्लव है, इस पंच पल्लव को आपको इस टाइप से जमाना है। ये देखिए मैं जमा देता हूं पूरे, ये जम गया इस टाइप से। और अब आपको ये जो आपने चावल वाली जो प्लेट थी, वो चावल वाली प्लेट को इसके ऊपर रख देना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इस समय, ये आप इसको अलग अलग कर दीजिए तो बहुत अच्छे से इसका लुक आएगा, ठीक है। और अब ये जो नारियल है, मैंने अभी आपको बताया था किस डायरेक्शन में रखना है, जिधर इसका मूछ होगा उसको आपके अपने साइड रखना है। तो मैंने इस समय, क्योंकि मैं इधर बैठा हूं, तो मैंने इस साइड इसको रख लिया है। इस तरीके से आप जो है कलश की स्थापना करेंगे। अब ये आपको रखना किधर है वो देखना है, इसके लिए मैं बताता हूं कि किस साइड में रखना है। तो कलश रखने का जो सही दिशा है वो ये है कि आप या तो उत्तर में रखिए, या उत्तर पूर्व का जो कोना जिसको हम ईशान कोण होता है उसके पास रखिए, या फिर आप पूर्व की तरफ रख सकते हैं। इन तीनों दिशाओं में से जो दिशा आपको सुटेबल लग रही है उस दिशा में ही आप इसको रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि देवी जी को किस प्रकार से आपको स्थापित करना है। ठीक है, चौकी है, इस चौकी के ऊपर पहले आपको, इसके ऊपर पहले आपको लाल कपड़ा बिछाना है, जैसे मैंने लाल कपड़ा रख दिया यहाँ पे। ये आपने लाल कपड़ा बिछा दिया, आप मेरे पास इस टाइप का कपड़ा था, आप चाहे तो टोटल लाल कपड़ा लेकर भी यहाँ पे बिछा सकते हैं, ठीक है। इस लाल कपड़े के ऊपर आपको क्या करना है, थोड़े से चावल, ठीक है, या गेहूं आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। ये मैंने चावल ये गेहूं रख दिए। इसके पास मेरे को देवी जी की जो प्रतिमा है या देवी जी की फोटो है उसको स्थापित करना है। तो देखिए मैंने देवी जी की फोटो को यहाँ पर स्थापित कर दिया है, ये देवी जी की फोटो को स्थापित कर दिया। तो देखिए इस तरह से हमने अभी इस समय देवी जी की स्थापना कर दी है। अब बात आती है कि कलश हमको कहाँ रखना है। तो कलश या तो आप इस साइड रख दीजिए, यानी कि देवी जी का जो है उसका, उनका जो लेफ्ट हैंड है या आपका जो राइट हैंड है, ठीक है, वहां पर आप इसको रख सकते हैं। तो ये जो मेरा कलश है इसको मैं उठाकर क्या करूंगा कि यहां पर रख दूंगा। ये मेरे कलश हो गए, कलश की मैंने स्थापना कर दी इस समय। और ये देवी जी के साइड में, यानी देवी जी का जो लेफ्ट हैंड है और अपना जो राइट हैंड है, वहां पर इस कलश की स्थापना हो गई है, ठीक है। अब चलिए, अब हमको यहाँ पे गणेश जी की स्थापना करना है। तो यहाँ पे हम थोड़े से चावल रखेंगे, और चावल रखने के बाद हम यहाँ पे गणेश जी की स्थापना कर देंगे, क्योंकि ये प्रथम पूजा है तो इनकी स्थापना तो करना ही करना है। इस टाइप से हम गणेश जी की स्थापना कर देंगे। और इस साइड हम क्या करेंगे, हमारा जो दीपक है, अब आपको ये अगर दीपक, अखंड दीपक रखना है तो आपको बड़ा दीपक लेना पड़ेगा और उसमें घी भर के रखना पड़ेगा, अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं जलाना चाहते हैं तो जब आप पूजा करते हैं उस समय इसको आपको जला के रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देवी जी की जो मूर्ति है, देवी जी की जो फोटो है, उसकी आप स्थापना कर सकते हो। साथ ही में आप कलश की स्थापना इस प्रकार से कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कलश स्थापना के बाद जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे, वैसे इस बार 8 दिन के ही नवरात्रि जैसे आपको मालूम है, तो 8 दिन के बाद जब इसका विसर्जन करेंगे तो वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि विसर्जन मेन चीज होती है। विसर्जन अगर आप अच्छे से नहीं करते तो भी प्रॉब्लम होती है। तो आप ये देखेंगे कि अब जो कलश आपने बनाया इसके विसर्जन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए कलश उठा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि किस प्रकार से विसर्जन करना है, ठीक है। मैंने ये कलश यहाँ से उठा लिया है, ठीक है, ये कलश है। इसमें सबसे पहले तो आप ये नारियल जो है, नारियल या तो आप इस नारियल को खोलकर, ये आपने नारियल खोल लिया, ये जो आप चुनरी है, ये चुनरी आप कहीं अच्छी जगह आप रख सकते हो चुनरी को, और नारियल को आप बहा सकते हो, यानी जल प्रवाहित इसका कर सकते हो, ठीक है। नारियल का ये काम में लेना है। इसके साथ जो चावल रखे हुए हैं, ये चावल,
इन चावल को आप अपने जो भंडार घर है उसमें रख सकते हो, या चावल को बनाकर खा भी सकते हो, या इसका दान भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, ये जो पंच पल्लव है, ये पंच पल्लव को आपको क्या करना है कि नारियल के साथ ही इसको प्रवाहित कर देना है। ठीक है, अब इसका जो जल है, इसमें जो जल भरा हुआ है, इस जल को आप पूरे घर में आप छिड़कना है, इस जल को पूरे घर में छिड़कना है। साथ में जो जल बच जाए बाद में, उस जल को सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर जो सुपारी रखी है, लौंग इलायची रखी है, उनको भी आप चाहे तो खा सकते हो या दान कर सकते हो। साथ में जो सिक्का रखा है उसको आप दान कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसका विसर्जन करेंगे। ओके, और इस आपने देखा होगा कि मैंने अभी यहाँ पे गेहूं डाले थे, और जो मेरे जो है वो डाले थे, जो थोड़े दिन बाद वो जवारे बन जाएंगे। उस जवारे का क्या करना है, उस जवारे को या तो आप प्रवाहित कर दीजिए, या फिर उसका रस बनाकर आप घर के सभी सदस्य उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये है इसकी प्रक्रिया। तो कैसा लगा ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।